Let us again switch over to the exercise 20th. एक्सरसाइज में आपने वेव ऑप्टिक्स विद ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है. लेट अस प्रोसीड विद द एक्सरसाइज विद अहेड. एक एंड पॉइंट सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे पहले फोकस करेंगे बेटा. व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बेटे. यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट बेटे व्हेन वी वर हैविंग द केस ऑफ द वेव फ्रंट्स डिस्कस्ड. हमने वेव फ्रंट्स की अलग अलग टाइप्स डिस्कस की थी. आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल है, और देन आपके पास प्लेन वेव फ्रंट भी एग्जिस्ट करता है. इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. लेट अस फोकस. लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स विद इट. जब आपको एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है ये दिया गया है, इन दैट केस बेटा आपका जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल. स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बी फॉर्म्ड इन दैट केस. लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. आपने लेंस के फोकस पर एक सोर्स प्लेस किया है, पॉइंट सोर्स. वो पॉइंट सोर्स डेफिनेटली बेटे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स दे देगा. लेकिन जब आप बेटे बात करोगे उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की पैसेज फ्रॉम द लेंस साइड, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट में बदल जाएगा. सो इस केस में आपको प्लेन वेव फ्रंट जो है इट विल बी फॉर्म्ड. ये आपका प्लेन वेव फ्रंट आपको मिलेगा. रिपीट करूंगा एक बार फिर से मैं बेटा. लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस. फोकस पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है स्फेरिकल. मैं बना के दिखा देता हूं बेटे आपको. ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है एंड हेयर लाइज यूर कन्वेक्स लेंस बेटा. और ये रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही हैं. अगर आप यहाँ पे वेव फ्रंट की बात करोगे तो दिस इज स्फेरिकल इन नेचर. लेकिन ये लेंस का क्या काम है, ये इनको पैरेलल बीम या पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर दिया करता है. और आपका वेव फ्रंट अब देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा. दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज प्लेन वेव फ्रंट. तीसरा केस है बेटा सी पार्ट का. पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाई द अर्थ. स्टार से लाइट आ रही है, अर्थ पे इंटरसेप्ट हो रही है. डिस्टेंस इज वेरी 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 लार्ज. तो इट मस्ट बी अगेन प्लेन वेव फ्रंट बेटा. सो इस तरीके से आप वेव फ्रंट्स की जो फॉर्मेशन है इनकी बात कर सकते हैं. देन बेटे डियर चिल्ड्रन लेट अस come to question number 10.4. this is very important type again. ye aapka interference ke basis pe question hai 10.4. aaiye is question pe focus karke dekhen kya pucha gaya hai aapse is question mein. in young's double slit experiment the slits are separated by 0.28 mm. aapko यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स की सेपरेशन है दिस इज 0.28 mm दी हुई है मिलीमीटर्स में. एंड द स्क्रीन इज 1.4 meters अवे. स्क्रीन का डिस्टेंस 1.4 meters का है आपके स्लिट्स के कंपेरेटिवली. और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज नहीं बेटे कैलकुलेट नहीं है. इट इज सेड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर. सेंट्रल
ब्राइट प्रिंस एंड फोर्थ ब्राइट प्रिंस, इनके बीच में 1.2 सेंटीमीटर्स का सेपरेशन आपको दे रखा है, और आपको क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो आप ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी वेवलेंथ का आप लाइट यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में बदलिए, ये आपका 0.28 × 10⁻³⁻ या आप इसको 2.8 × 10⁻⁴ लिख सकते हो। कैपिटल डी 1.4 मीटर है, और बेटा आपका फ्रिंज कौन सा है, फोर्थ फ्रिंज है, एन इज इक्वल टू 4, बिकॉज आप ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हो। आपको याद होगा आपने पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो है बेटा ये डिस्कस कर रखा है, एक्स एन आपने किया था एन लैम्डा डी बाई डी के बराबर, एक्स एन ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, दिस वाज एन लैम्डा डी बाई डी ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन आपने इस तरीके से की हुई है। अब सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, आपको सिंपली बेटे लैम्डा की कैलकुलेशन करनी है, वेवलेंथ की आपको कैलकुलेशन जो है ये कंप्लीट करनी है। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, वी विल लेट मी इरेज दिस पार्ट एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस, लेट अस कंसंट्रेट। वी हैव टू कैलकुलेट दिस लैम्डा, लैम्डा इज एक्स एन इंटू डी बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल डी। जरा चेक करिएगा बेटे सारे स्टूडेंट्स, 1.2 सेंटीमीटर के मीटर बना लो आप, दिस इज -2 मीटर्स, लैम्डा वेवलेंथ आपका जो है एक्स एन, दिस इज पोजीशन ऑफ द फोर्थ फ्रिंज, एन आपने 4 लिया हुआ है, 1.2 × 10⁻² बेटा मीटर्स में, और स्मॉल डी दिस इज 2.8 × 10⁻³ इन द डिनोमिनेटर आपका फोर्थ फ्रिंज है, एन विल बी 4, एंड कैपिटल डी डिस्टेंस जो है इट इज गिवन टू बी 1.4 मीटर। लेट अस हैव द एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस वे लैम्डा इज 0.6, 10⁻²⁻²⁻¹ हो गया, आप इसको 6 × 10⁻⁶ मीटर्स लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ बेटा, 6 × 10⁻⁶ मीटर्स आपके पास ये आ जाता है। ये नहीं बेटे यहाँ पे 4 था आपका, एक बार री चेक करिएगा, इट शुड बी 6, इट शुड बी 7, सी दिस बेटा ये 4 है, ये गलती से यहाँ पे 3 लिखा गया, मेक इट 4, और आपका ऑटोमेटिकली ये 6 × 10⁻⁷ मीटर जो है ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आपने यूज किया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये आपको मिल जाए। आइए आगे चलें बेटा विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटे। आदित्य गुंजोत क्षितिज, यस बेटा, देन बेटे आगे चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव देन बेटे क्वेश्चन नंबर बेटे 10.10 पहले देख लीजिएगा, 10.10 क्वेश्चन नंबर 10.10, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस क्वेश्चन। आपको कहा गया है बेटा
estimate the distance. Let me write, it is not a big statement. Estimate the distance for which, estimate the distance for which ray optics is good approximation. Ray optics is good approximation of for an aperture of 4 mm. Good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength 400 nanometer, and wavelength 400 nanometer. ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है बेटा. लैम्डा आपका 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर के आपने ये मीटर्स बना लिए बेटा. और आपको फर्दर मोर बेटी उन्होंने कहा है 4 mm अपर्चर है, तो ये आपको स्मॉल डी 4 mm, 4 × 10⁻³ मीटर मिल गया. आपका बेटे जो वेव ऑप्टिक्स है, ये रे ऑप्टिक्स का अप्रोक्सीमेशन तभी होता है जब आपका डिस्टेंस फ्रेसनल्स डिस्टेंस के बराबर हुआ करता है. तो फ्रेसनल्स डिस्टेंस आपने वर्कआउट किया था जेड एफ, इट वॉज डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा बेटे आपने किया था लास्ट टाइम. डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सब्स्टिट्यूट करिएगा, दिस इज 4 × 10⁻³, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁷. ये जीरोस मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, यहाँ पर 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. फ्रेसनल्स डिस्टेंस या डिस्टेंस एट विच इट इज गुड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज 4 × 10⁻³, अगेन -3 एंड +7, दिस इज 4 × 10⁻¹, दिस इज 40 मीटर के करीब का ये जो डिस्टेंस है ये आपको बेटा मिल रहा है. तो इस डिस्टेंस पे आपका जो रे ऑप्टिक्स है, इट इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द सेट पर्पज बेटे. इस हिसाब से आप बेटे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. अगर कोई बात नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं बेटा. अदरवाइज फिर बेटी आगे चले. नेक्स्ट बेटी वी हैव फर्दर मोर प्रॉब्लम नंबर बेटे 10.6. लेट अस फोकस अपॉन दिस क्वेश्चन. एक्सरसाइज फिर हमारा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. आइए देखें बेटा 10.6 नंबर क्वेश्चन, रादर न्यूमेरिकल 10.6. स्टेटमेंट काफी लेंथी है, मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा. ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेव लेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर. एक वेवलेंथ 650 नैनोमीटर का है और दूसरा वेवलेंथ 520 नैनोमीटर का है. ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये दो वेवलेंथ बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए यूज की गई हैं. आपको क्या कहा गया है फर्दर, ए पार्ट है आपके क्वेश्चन का बेटा, दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर 650 नैनोमीटर वेवलेंथ. आप
650 नैनोमीटर वेवलेंथ को यूज करेंगे और आपने डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 3 और ये आपका ब्राइट फ्रिंज है। इस ब्राइट फ्रिंज में आपने इसका डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा जो है वहां से बेटी आपको निकालना है। एक बार फिर से देखिएगा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी हुई है उन्होंने। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 2 mm, स्मॉल डी जो है दिस इज 2 mm, एंड फर्दर मोर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1.2 meters, कैपिटल डी आपका 1.2 meter के बराबर आपको दिया गया है। सो डियर चिल्ड्रन, लेमडा आपके पास, एन आपके पास, डी आपके पास, स्मॉल डी आपके पास है, तो इसमें बिकॉज उन्होंने आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज जो है इसका डिस्टेंस निकालने को बोला है, पोजीशन ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस जो है एन लेमडा डी बाई डी दिस इज अवेलेबल विद अस, आपने डिराइव कर रखा है। ये एन को हमने बेटा 3 थर्ड फ्रिंज आप ले रहे हो, लेमडा आपका 650 नैनोमीटर के आपने मीटर्स बना लिए, कैपिटल डी आपका जो है ये 1.2 मीटर्स के बराबर का है, एंड स्मॉल डी दिस इज 2 mm, 2 mm के आपने अगेन मीटर्स जो है ये कन्वर्ट करके बना लिए। तो ये आप अगर देखेंगे तो दिस इज 0.6, ये बन गया जी फिर एक्स एन आपके पास जो है थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए 3 × 650 × 10⁻⁹ और ये प्लस 3 हो गया और ये 0.6 आपके पास ये बन गया, ये आ जाएगा 1.8650 × 10⁻⁶ बेटे। और आफ्टर कैलकुलेशन ये डियर चिल्ड्रन आपको 1.17 × 10⁻⁴, ये जीरो एडजस्ट करिएगा, 1.17 × 10⁻³ मीटर्स, इतनी आपकी जो है ये बेटा पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से बेटे आप इस न्यूमेरिकल जो आपका ए पार्ट पे बेस्ड है इसको वर्कआउट कर सकती हो, इसको सॉल्व कर सकती हो रादर। इसके बाद बेटे आपके पास बात आ जाती है बी पार्ट इसी क्वेश्चन का है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। बी पार्ट में आपको कहा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कंसाइड। रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, जो आपकी स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा बना पड़ा है उससे कितने डिस्टेंस पे बेटा ब्राइट फ्रिंजेस इसकी वजह से और इसकी वजह से जो है बनी हुई उनका जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कंसाइड कर जाती हैं, ये आपको कहा गया है। सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द टू वेवलेंथ्स जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, इन वेवलेंथ्स वाली कौन से डिस्टेंस पे कंसाइड कर जाएंगी, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इसमें बेटे देखो, आप जो मिनिमम डिस्टेंस फॉर द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एन ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने बना रखा है, उन दोनों को बेटे आप लिखकर सिंपली इक्वेट कर दीजिएगा। सो लेट अस डू दिस सेम, हमने वाई या जैसे आपने एक्स एन बोला हुआ है एन लेमडा डी बाई डी, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास बेटे जो इससे नेक्स्ट वाले फ्रिंज की बात कर लोगे एन प्लस प्लस वाले की, वो आपके सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट की वजह से जो है एन प्लस वन लेमडा टू डी बाई डी, इन दोनों का आप बेटे फिर कंपेरिजन कर लीजिएगा तो यू विल गेट दैट कि आपका नंबर कौन सा है फ्रिंज का, उस फ्रिंज का नंबर सब्स्टिट्यूट करके आपको ये मिल जाएगा। लेट अस फोकस अपॉन दिस, दोनों फ्रिंजेस आपके पास
दोनों वेवलेंथ्स रादर आपके पास हैं, बाकी के जो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है. जस्ट मार्क दिस वेवलेंथ एज लैम्डा वन, दिस वेवलेंथ एज लैम्डा टू, और आपको जैसे ऑलरेडी दे रखा है स्मॉल डी दिस इज इक्वल टू 2 mm, इसके आपने मीटर्स बना लिए थे ऐसे करके. कैपिटल डी आपका ऑलरेडी 1.2 मीटर्स के करीब आपको डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है. अब इसकी nth ब्राइट फ्रिंज इट इज इक्वल टू n लैम्डा 1 इंटू डी बाई डी, और इस वेवलेंथ की nth ब्राइट फ्रिंज n प्लस फर्स्ट रादर लैम्डा 2 डी बाई डी. आपको उन्होंने कहा क्या था, वट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कंसाइड कर जाती है. हमने एक्स एन एनथ ब्राइट फ्रिंज आपके फर्स्ट वेवलेंथ के साथ एंड एन प्लस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकेंड वेवलेंथ के साथ जो है इनको बेटे वर्कआउट कर लिया है, और हमने मानना है कि ये कंसाइड कर रही है, और अगर ये कंसाइड कर रही है तो एन लैम्डा 1 डी बाई डी एन प्लस 1 लैम्डा 2 डी बाई डी, इनको आप इक्वेट कर दीजिए डायरेक्टली और आपके पास जो है एन यहां से आ जाएगा. यू विल गेट एन अपॉन एन प्लस 1, इसको इसको इस तरफ शिफ्ट करिएगा. दिस इज लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 एन ओवर एन प्लस 1, this is equal to 520 upon 650, 0 is getting cancelled, n plus 1 upon n is 65 by 52, 1 plus 1 by n 65 by 52, 1 by n 65 by 52 minus 1, ये बन गया 13 by 52, ये बन गया 4, 1/4 आ गया. बेटे आपके पास जो 1/n यहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो डियर चिल्ड्रन, 1/n दिस इज 1/4, n आपके पास 4 आ जाता है. इट विल मीन दैट कि आपकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो इन दोनों के क्विंसिडेंस से बन रही है. आपने n निकाला है लेकिन उन्होंने कहा क्या है, वट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. आपको पोजिशन नहीं बल्कि आपको डिस्टेंस बताना था, कितने डिस्टेंस पे ये कंसाइड कर रहे हैं. तो उसके लिए आप एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी लैम्डा 1 वाले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास ये इसकी जो है पोजिशन आ जाएगी, और सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं. एक्स एन विल बी 4, लैम्डा 1 आपका 650 नैनोमीटर के बना लिए मीटर, कैपिटल डी 1.2 एंड स्मॉल डी 2 mm, इसके भी बना लिए आपने मीटर्स बिटवीन. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास ये 1.56 एक्स आपका जो है ये फोर्थ वाले का 1.56 इंटू 10^-3 मीटर, जरा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन. आपके पास बेटे ये इसका जो है पोजीशन बन जाता है. आप डायरेक्टली इसको 1.56 mm भी अगर कह दें तो भी ये एक ही बात है. सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सॉल्व फॉर अवर बेटे ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स एंड द कोइंसिडेंस एंड देन द पोजीशन एंड देन कैलकुलेटिंग द फ्रिंज की कौन सा फ्रिंज आपका जो है वो कंसाइड होने पे बन रहा है. तो इससे प्रीवियसली हमने डाइफ्रेक्शन के बेसिस पे भी बेटे बात की थी. सो उस तरीके से आप बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं. आइए आगे चलें विद दिस डिस्कशन अहेड. नेक्स्ट हमारे पास है एक और छोटा सा पॉइंट है, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन.
न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल रादर नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कहा गया है बेटा व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज वेट इफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस इज नंबर वन डिप्ड इन वाटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज मेड वन हाफ, नंबर टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज डबल्ड, व्हाट happens to the what happens to the fringe width beta? Let us see what happens to the fringe width beta if the Young's double slit experiment apparatus is नंबर वन बेटा इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर, नंबर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ, दैट इज डी डैश, आपने वन हाफ ऑफ द डी कर दिया। थर्ड पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज डबल्ड, कैपिटल डी आपने बेटे जो है इसको डबल किया। तीनों को बेटे आप अलग अलग लेकर ट्रीटमेंट कर लेंगे। पहला है जब आप पानी में इमर्स करते हैं बीटा आपका लेमडा डी बाई डी होता है, अब आपका लेमडा वेवलेंथ बदल जाएगा, इट विल बी लेमडा अपॉन म्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बीटा विल बी लेमडा डी बाई म्यू इन टू डी, इससे आपकी जो फ्रिंज विथ बीटा डैश है इन कंपेरिजन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रिंज विथ बीटा, ये बेटे वन बाई म्यू टाइम्स हो जाएगी। आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं, अगर आप कंपेरिजन करेंगे इक्वेशन नंबर वन और इसका, इट विल बी वन बाई म्यू टाइम्स बीटा। सो डियर चिल्ड्रन, जब आप अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपरेटस को पानी में डिप कर देते हैं तो आपकी फ्रिंजिस का वेट कम हो जाता है, कम वाइड हो जाती हैं आपकी फ्रिंजिस, उनका वेट रिड्यूस हो जाता है। सेकंड आपको कहा गया है कि डी स्लिट्स का जो सेपरेशन है वो हाफ कर दिया गया है, दैट इज रिड्यूस टू वन हाफ, देन व्हाट विल बी द केस इन रिलेशन टू द फ्रिंज विड्थ? आइए बेटे उसको भी देखें, इसको भी हम वर्कआउट करके देखें बेटा। वी हैव बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, अब आपका डी डैश बिकॉज डी बाई टू के बराबर है, बीटा डैश विल बी लेमडा डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई टू, आप ऐसे कर सकते हो इसको, और इसको उल्टा कर दोगे अगर आप, इट विल बी ट्वाइस लैम्डा डी बाई डी, इक्वेशन नंबर वन आप यूज कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा बीटा डैश इज ट्वाइस दिस बीटा। तो जब आपने बेटे अपनी दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन जो है उसको कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो आपकी जो फ्रिंजेस हैं इनके विड्थ के ऊपर देखिए इस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, डबल हो गई है बेटा साइज में। इसके बाद आपके पास बेटे थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है कि अगर आप स्क्रीन और स्लिट जो है इनके बीच में डिस्टेंस को डबल कर दोगे व्हाट विल बी द केस, अगेन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी यूज करिएगा। अब आपको देखो डी डैश ट्वाइस डी दिया हुआ है, बीटा डैश विल बी लैम्डा डी डैश अपॉन स्मॉल डी, बीटा डैश विल बी लैम्डा इनटू ट्वाइस डी बाई डी, इसको टू को एडजस्ट करिए, बीटा डैश इज टू लैम्डा डी अपॉन डी, अगेन इक्वेशन नंबर वन आपने इसको बोला हुआ है ऑलरेडी। इस इक्वेशन में बेटे जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका जो बीटा डैश है This is twice beta. So in this way, बेटे आपकी जो fringes की जो width है वो vary कर जाया करती है। So dear children,
विद दिस हमारा जो वेव ऑफ एक्स का एक्सरसाइज है दैट स्टैंड्स विद ए फिनिश्ड। इसके बाद हम बेटे हमारा जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी टेक अप एनीथिंग बेटा, मानविया, क्षितिज, गुंजोत, आदित्य, बेटे आपको कोई भी डाउट वाली बात हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बता दीजिएगा। आई विल बी रिपीटिंग दैट ऑल्सो बेटे, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, क्षितिज, मानविया, गुंजोत, आदित्य, यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, यस सर, बेटे सारा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नो सर। राइट बेटे, देन फिर बेटे हम अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन है कल से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टाइम बेटे, थैंक यू ऑल।